अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को, सरकारी मजमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, इंसानियत मजहब देखती है ना ही जात पात। ऐसा ही वाकया बालापुर में बर्मा के मुसलमानों को 10 दिन तक खाना खिलाया गया और अगले महीने भी 10 दिन तक खाना खिलाने का इरादा रखती है। जी हाँ नाज़रीन, हरीश राव और उनकी बीवी पूजा हरीश राव ने, जो बेंगलुरु के साकिन हैं, इन लोगों को खाना खिलाने का इरादा रखते हुए हैदराबाद आई। इन लोगों ने फेसबुक पर नसरीन हसन, जो कोमपल्ली के साकिन हैं, उनके अवामी खिदमात को देखते हुए कांटेक्ट किया। वाज़ेह है नाज़रीन, इस मौके पर पॉजिटिव मोमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से और साहब खैर हजरात से गुजारिश की कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर साबिर यमनी के साथ मुनव्वर सलीम, रियाज और मोहम्मद नईम भी मौजूद थे। एम ए हमीद के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। फाउंडर और प्रेसिडेंट नसीम हसन हूँ और मैं जो ये अपने खाना खिलाने का प्रोग्राम तकरीबन 10-11 महीनों से कर रही हूँ। कंपनी में रहती हूँ और मेरे यूट्यूब पे अपलोड्स देख के अपने केरला से हुसैन भाई, मेरे से जो है हरीश राव साहब, मेरे से कॉन्टेक्ट में आए और वो यहाँ पर गरीब लोगों के लिए, बर्मा पीपल के लिए कुछ करना चाहते थे, तो मेरे से कांटेक्ट करके बोले कि हम वहाँ पर हैदराबाद में कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उन्होंने इन्वाइट किए और अभी वो हमारे साथ है और तकरीबन 10 दिनों से हम लोग ये कैंप चला रहे हैं। आज लास्ट डे है इस कैंप का और हमें यहाँ पर जो है कई कैंप में हर दिन अलग जगह कैंप हम लोगों ने किया और वहाँ पर ये देखा कि कुछ लोगों को यहाँ पर दवाओं की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने कल हेल्थ कैंप भी किया है और बस आप लोगों के आज आखिरी दिन है, आप लोगों से हमारे लिए दुआ की गुजारिश करते हैं। पर हम लोग जो आज लास्ट डे है कैंप का, लेकिन हमें जो है यहाँ पर ये बालापुर में मैं किसी को ज़्यादा जानती नहीं, तो मैंने अपने हमारे साबिर यमनी साहब से जो सेवा में बैठ से है उनसे और मोहित काबिल से और जो है कांटेक्ट किया। उन लोगों ने हमें बहुत सारा हेल्प किया, अपने मुनव्वर भाई भी जो है और नईम साहब है और अपने वसीम साहब है, करीम साहब है और अपने इशरत भाई है, सब लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया भाई। फिर बोलना। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हम 10 दिन से इधर ही है बर्मा पीपल का एक एक कैंप में हम लोग खाना देते हैं। मैं पहले यूट्यूब में और फेसबुक में कॉन्टेक्ट किया, मैडम ने इधर कॉन्टेक्ट किया, बाद में हमको कैंपरी मिली था, हमारे दोस्त लोग सब बहुत मदद किया, इसलिए हम लोग ये आखिरी दिन है 10 दिन का। फिर अगले महीने में फिर 10 दिन का करने के लिए हम लोग कोशिश करता है। ये लोग का अच्छा कॉर्पोरेट में हमको मिला, इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं। फिर भी हम लोग फिर आएंगे। सच की तलाश कर, हम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।